वेलकम स्टूडेंट्स, इन नीट वी विल स्टार्ट अबाउट द न्यू चैप्टर दैट इज़ कॉल्ड एज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का अगर हम डेफिनेशन यहाँ पर देखना चाहें तो डेफिनेशन यहाँ पर जो होती है, इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो यहाँ पर उसके लिए ज़िंदा रहने के लिए एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ पर अगर वो इन्वायरमेंटल कंडीशन उसके लिए सूटेबल है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यहाँ पर जो उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा, उसके ज़रूरियात, उसके नेसेसिटीज़ यहाँ पर जो है कम्प्लीट होती है। और अगर वही इन्वायरमेंटल कंडीशन जो होता है अगर वो अनफेवरेबल होता है तो वो पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सर्वाइव, वो जो है ज़िंदा नहीं रह सकता है, वो जो है ख़त्म होने लगते हैं। तो यही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके साथ में उसका जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर सराउंडिंग कंडीशन, एंड दैट सराउंडिंग कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंट। तो यहाँ पर यही लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, यहाँ पर लिविंग और उसके एनवायरमेंट के दरमियान यहाँ पर जो भी इंटरेक्शन होता है इसी को कहा जाता है दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है क्या चीज़? इकोसिस्टम दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर। नेचर के अंदर यहाँ पर इसको जो है फंक्शनल यूनिट कहा जाएगा, तो फंक्शनल यूनिट है यानी यहां पर बेस है, दैट इज कॉल्ड एज बेस ऑफ द नेचर। और इसी के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी हम स्टडी कर सकते हैं, उसके लिए जो उसकी सराउंडिंग कंडीशन रहेगी जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेंगे उनकी स्टडी यहां पर की जा सकती है। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर याद रखना है बच्चों आपको, इसी को कहा जाता है इकोसिस्टम। और इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरमेंट उसी को कहा जाता है दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। किसी भी जगह की इकोसिस्टम अगर यहां पर हम देखते हैं तो इकोसिस्टम दैट स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल टू द लार्ज, यानी यहां पर जो है ग्रेजुअल चेंजेस पाए जाते हैं आगे आने वाला है, उसी को जो है यहां पर इकोलॉजिकल सक्सेशन भी कहा जाएगा। तो यहां पर कहीं पर भी इकोसिस्टम है दैट स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ वेरी स्मॉल रीजन, दे स्टार्ट फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ वेरी स्मॉल एरिया, और वहां से फिर जो है लार्ज एरिया की तरफ जो है यहां पर दे कैन माइग्रेट, बड़े एरिया की तरफ जो है यहां पर इनका जो है माइग्रेशन होता है। तो यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां पर कोई यहां पर अगर देखा जाए कि इकोसिस्टम एक्वेटिक इकोसिस्टम है, तो अगर वो पॉन्ड से शुरुआत होती है, छोटा सा एरिया है, पॉन्ड है, तालाब है, वहां पर मछलियां वगैरह हैं, एक्वेटिक एनिमल्स पाए जाते हैं, और वहां पर लार्ज एरिया जो रहेगा पूरा जो सी वाटर है, पूरे समुंदर के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लार्ज एरिया पर, तो कहीं पर भी एक माहौली निज़ाम यानी इकोसिस्टम की जो शुरुआत होती है एक स्मॉल स्पेस से, छोटी जगह शुरुआत होती है और फिर एक बड़े एरिया तक जो यहां पर वो पहुंच जाती है। तो दैट स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्मॉल एरिया टू द लार्ज एरिया, एंड फॉर एग्जांपल यहां पर पॉन्ड, और उस पॉन्ड या स्मॉल एरिया है और उसी का जो लार्ज एरिया रहेगा उसको जो है यहां पर सी कहा जाएगा। इस तरीके की कंडीशन पाई जाती है। अब एक पॉइंट यहां पर याद रखना है, आवर बायोस्फीयर, पूरे जो वर्ल्ड है, पूरा जो बायोस्फीयर है, ये सबसे बड़ा एक माहौली निज़ाम है, सबसे बड़ा एक जो है यहां पर इकोसिस्टम है। तो आवर बायोस्फीयर दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल इकोसिस्टम कहा जाएगा। ये सब पॉइंट जो है ये आपको याद रखने वाला है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर या फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट वो इकोसिस्टम है, इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग और एनवायरनमेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन उसको इकोसिस्टम कहेंगे। इकोसिस्टम एक ऐसी स्टडी है विच स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्मॉल एरिया, वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू द लार्ज एरिया यहाँ पर होता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर ग्लोबल इकोसिस्टम क्या है वो रहेगा, आवर बायोस्फीयर दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल इकोसिस्टम कहा जाता है। तो ये इतना जो है यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पार्ट यहां पर जो इकोसिस्टम के ताल्लुक से यहां पर होता है। अब उसके बाद हमें यहां पर देखना है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अगर यहां पर देखा जाए तो दो टाइप यहां पर होते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल जो कि लैंड सरफेस के ऊपर, जमीन के ऊपर यहां पर जो भी यहां पर इकोसिस्टम जो डेवलप होती है उसको टेरेस्ट्रियल कहा जाएगा। और दूसरा यहां पर जो होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम जिसका ताल्लुक यहां पर जो है वाटर से रहेगा। अब वो वाटर फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मरीन वाटर भी हो सकता है। बहरहाल यहाँ पर जो देखा जाए तो इकोसिस्टम के जो टाइप्स हैं दो टाइप यहाँ पर मौजूद है। टेरेस्ट्रियल, दिस इज़ द टाइप ऑफ इकोसिस्टम विच आर प्रेजेंट ऑन द लैंड सरफेस, तो उसको टेरेस्ट्रियल कहा जाएगा। टेरेस्ट्रियल की एग्जांपल यहाँ पर जो रहेगा फॉरेस्ट एरिया, कहीं पर भी डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट एरिया या फॉरेस्ट की जो स्टडी होती है ये टेरेस्ट्रियल है, ज़मीन के ऊपर यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। कहीं पर ग्रास लैंड है, घास वगैरह जो पाए जाते हैं, हर्बीवोरस एनिमल वो उसको अपने फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं, वो भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। और उसके अलावा कहीं पर
अगर काफ़ी दिनों तक का डेफिशियंसी ऑफ वाटर है, स्केयरसिटी ऑफ वाटर अगर होता है, तो वो एरिया जो है डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया की मुनासबत से भी वहाँ पर जो भी चेंजेस पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये तीन एग्जाम्पल यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। वहीं पर अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम हम देखते हैं, पॉन्ड है, लेक है, रिवर, सी, ओशन, ये तमाम के तमाम जो है इसके अंदर, पानी के अंदर जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फाइटोप्लैंक्टन रहेंगे, जू प्लैंक्टन रहेंगे, फिर उसके ऊपर डिपेंड रहने वाले यहाँ पर जो है हर्बीवोरस या यहाँ पर जो है लार्जर एनिमल यहाँ पर इसके ऊपर डिपेंड रहने वाले होते हैं। तो इनका ताल्लुक जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं और यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, ये तमाम के तमाम दीज आर रिलेटेड विद द एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब वो एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर पॉन्ड, लेक और रिवर, ये तीन एग्जाम्पल जो है एक्वेटिक के अंदर, ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, और सी और ओशन का जो यहाँ पर इंक्लूड हम कर रहे हैं, ये मरीन वाटर इकोसिस्टम इसको जो है यहाँ पर कहा जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, किस जगह के ऊपर यहाँ पर इकोसिस्टम, ये माहौली निज़ाम डेवलप हो रहा है। अगर खुश्की पर है तो उसको टेरेस्ट्रियल कहा जाएगा, और अगर पानी के अंदर माहौली निज़ाम बन रहा है, इकोसिस्टम डेवलप हो रही है, तो उसको जो है यहाँ पर एक्वेटिक कहा जाएगा। फिर इकोसिस्टम यहाँ पर जो होते हैं दैट मे बी नेचुरल और दैट मे बी मैन मेड। मैन मेड जो रहेगा दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के नाम से भी इसको जो है यहाँ पर पहचाना जाएगा। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, नो ह्यूमन एक्टिविटीज आर यूटिलाइज्ड फॉर दैट, कोई ह्यूमन एक्टिविटीज का यहां पर जो इस्तेमाल नहीं होगा। नेचुरली कुछ ऐसा डेवलपमेंट यहां पर होगा कि वहां पर नेचुरल इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर देखते हैं, अगर रेनी सीजन है, बारिश का मौसम है, कहीं पर गड़ा है, वहां पर पानी जमा हो गया, अब वहां पर जो एक इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, छोटी सी जगह पर भी डेवलप हो जाएगी। जैसे वहां पर पानी जमा हो गया, कुछ दो चार दिनों के बाद हम देखते हैं वहां पर एल्गी का डेवलप हो गया, कुछ कीड़े मकोड़े हो गए, मच्छर वहां पर जो पैदा होना शुरू हो गए। तो इस तरीके से एक माहौली निजाम बनता है, वहां पर अलगी का डेवलपमेंट है, अलगी को यूज करने वाले कीड़े मकोड़े हैं, वाटर के ऊपर यहां पर जो फीमेल, यहां पर जो मॉस्किटो वगैरह रहेगा वो डिपेंड हो जाते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट रहेंगे, जानवर आएंगे वहां पर पानी पीने लगते हैं, तो एक माहौली निजाम यहां पर बनता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं बारिश होने से वो चीज यहां पर डेवलप हो गई थी, हमने वहां पर कुछ किया नहीं है। जब ह्यूमन एक्टिविटीज वहां पर जो किसी भी किस्म की कोई ह्यूमन एक्टिविटीज यूज नहीं हो रही हैं, तो उसको कहा जाएगा यहाँ पर नेचुरल इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, रिवर और सी वगैरह जो होते हैं, जंगल को हमें डेवलप करना नहीं पड़ता है, नेचुरली उसका डेवलपमेंट वहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर यहाँ पर जो हो जाता है। रिवर जो रहेगी हमें बनाना नहीं पड़ेगा, डैम बनाना पड़ेगा, लेकिन जब डैम भर जाता है या पहाड़ों के ऊपर पानी जमा हो जाएगा, वो पानी खुद ब खुद अपना रास्ता बनाते हुए पानी एक पर्टिकुलर रूटीन से रूट से यहाँ पर बहता है और वहाँ पर रिवर बन जाती है। रिवर को हमें डेवलप करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली उसका डेवलपमेंट होता है। सी के अंदर हमारा कोई रोल नहीं होता है। तो ये ऐसी एग्जांपल्स हैं जो नेचुरली ऑकरिंग हैं और यहाँ पर एक इकोसिस्टम डेवलप होती हैं। तो सच टाइप ऑफ इकोसिस्टम दैट मस्ट बी कॉल्ड एज नेचुरल इकोसिस्टम इसको जो है कहा जाएगा। और ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज आर यूज्ड, हम अपनी एक्टिविटीज़ को वहाँ पर शामिल करते हैं, हम अपनी कोशिश से कुछ टेक्नोलॉजी के जरिए एक माहौली निज़ाम बनाने की जो कोशिश की जाती है, सच टाइप ऑफ इकोसिस्टम दैट मस्ट बी कॉल्ड एज मैन मेड, या उसको जो यहाँ पर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के नाम से पहचाना जाएगा। उसकी एग्जांपल यहाँ पर होती है क्रॉप लैंड। क्रॉप लैंड जो खेती बाड़ी की जाती है, एग्रीकल्चर, वहाँ पर हमें मेहनत करना पड़ता है, एक बड़ी ज़मीन होती है, वहाँ पर जो है प्लफिंग हल चलाना पड़ेगा, वहाँ पर जो है सीड की जो यहाँ पर सोइंग करना पड़ेगा, इरीगेशन करना पड़ेगा, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर यूज़ होते हैं, तो एक माहौली निज़ाम यहाँ पर बनेगा। क्रॉप लैंड यानी फील्ड वर्क जो होता है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो होती हैं, वो मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहा जाएगा। उसी के अंदर, आर्टिफिशियल के अंदर, यहाँ पर एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर क्या रहेगा, डेवलपमेंट ऑफ एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है, कांच का बर्तन रहेगा, उसके अंदर पानी भर दिया जाएगा, उसके अंदर ऑक्सीजन की बबलिंग की जाएगी, फूड मटेरियल वहाँ पर डाल दिया जाएगा,
जाएगा, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल को रखना पड़ेगा, वक्त से हमें उसकी जो है साफ सफाई करना पड़ेगी। इस तरीके से यहाँ पर भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो एक्वेरियम जो रहेगा ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यहाँ पर उसको जो है यहाँ पर कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, और वो नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड या आर्टिफिशियल भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो अभी और टॉपिक देखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगला टॉपिक फिर हम शुरू करते हैं। थैंक यू। अगला टॉपिक हमारा है बच्चों, वो है रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर इकोसिस्टम के अंदर थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर प्रेजेंट। तीन किस्म की एक्टिविटीज़ यहाँ पर जो है फॉलो की जाती है। पहली चीज़ यहाँ पर जो पाई जाती है वो है इनपुट। इनपुट का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी, और यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोडक्टिविटी पाई जाएगी ड्यू टू कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सोलार एनर्जी सनलाइट जब मिलती रहेगी, तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उनके अंदर रहेगा, और यहाँ पर सोलार एनर्जी उनके प्लांट बॉडी के अंदर इनपुट होती है, अंदर इंटर होती है, तो इसके नतीजे यहां पर जो है प्रोडक्ट तैयार होता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इनपुट देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ द फूड मटेरियल, और वो फूड मटेरियल प्लांट अपने खुद के लिए भी यूज करते हैं, एंड दैट फूड मटेरियल दैट इज आल्सो यूज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। या पूरा का पूरा जो फूड चेन है, पूरा जो इकोसिस्टम है उनको जो है फूड मटेरियल जो सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर फूड मटेरियल सप्लाई करना, इसको कहा जाता है एनर्जी ट्रांसफ़र। अब प्लांट्स वो प्रोड्यूसर हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल। ग्रीन प्लांट्स को छोड़कर बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड के अंदर पाए जाते हैं वो सब के सब हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी दोज आर हेटरोट्रॉफिक इन देयर नेचर, दे आर अनएबल टू प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल। तो यहां पर वो प्लांट्स को अपने फूड मटेरियल के तौर पर यूज करेंगे, वो हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस को यूज करने वाले कार्निवोरस होते हैं, और सबको यूज करने वाले जो यहां पर ओमनीवोरस होते हैं। इस तरीके से सनलाइट सोलार एनर्जी जो प्लांट के अंदर यहां पर शिफ्ट हुई थी, फिर उसके बाद दैट ट्रांसफर टू द हर्बीवोरस, हर्बीवोरस से कार्निवोरस, कार्निवोरस से ओमनीवोरस के अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो इस तरीके से सेकंड स्टेप जो इकोसिस्टम के अंदर पाई जाती है वो है यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर, और कंप्लीट फूड चेन यहाँ पर जो डेवलप होती है, जिसके ऊपर वन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पर जब वो डिपेंड होते हैं तो एनर्जी फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर ट्रांसफर टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनर्जी जो है यहाँ पर ट्रांसफर होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर थर्ड स्टेप जो पाई जाती है वो है यहाँ पर आउटपुट है। आउटपुट यहाँ पर डिग्रेडेशन यानी एनर्जी लॉस, जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है दैट स्टार्ट टू डिग्रेडेड, और यहां पर जो रहेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे अटैक ऑन दैट, तो एनर्जी जो यहां पर जो उसके अंदर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो जो है यहां पर लॉस हो जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, डिग्रेडेशन का प्रोसेस होता है, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है। तो यहां पर एक रफ आइडिया हमें जो यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम के ताल्लुक से यहां पर इस तरीके से हम उसको जो है यहां पर देख सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारे सामने जो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। अब उसके बाद हमें यहां पर देखना है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। स्टार्टिंग मैंने आपको डेफिनेशन बताई है इकोसिस्टम की, इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। तो यहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम वो बायोटिक कंपोनेंट है, और उसके सराउंडिंग कंडीशन जो एनवायरनमेंट यहां पर रहेंगे वो सब के सब यहां पर अबायोटिक कंपोनेंट यहां पर पाए जाते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर यहां पर हम कहेंगे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, और हमारे एनवायरमेंटल कंडीशन में नॉन लिविंग थिंग्स गैर जानदार चीजें विच आर एसेंशियल कंपोनेंट फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यहां पर जो रहेगा वो सब रहेगा यहां पर जो है बायोटिक कंपोनेंट, उसको जो है यहां पर बायोटिक कंपोनेंट को जिंदा रहने के लिए अबायोटिक कंपोनेंट की यहां पर जो जरूरत पड़ेगी। और अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर यहां पर हम देखते हैं वाटर है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट यहां पर होते
हैं, सॉइल होता है, एटमॉस्फेरिक एयर पाई जाती है, ये तमाम के तमाम नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बट दीज आर एसेंशियल कंपोनेंट फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये एबायोटिक कंपोनेंट दे फॉर्म द एनवायरनमेंट, ये तमाम गैर जानदार चीज़ें एनवायरनमेंट बनाती हैं, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दोज आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दीज नॉन लिविंग थिंग्स। तो इन्हीं के दरमियान जो इंट्रैक्शन होता है इसी को इकोसिस्टम कहेंगे। तो हम कह सकते हैं इकोसिस्टम का फॉर्मेशन किसके जरिए से होता है, बाय एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। अब दूसरी तरफ हम यहां पर आते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन दैट। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यहां पर क्या है, सबसे पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उनको कहा जाता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के अंदर यहां पर जो है ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दैट। ग्रीन प्लांट इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि यहां पर इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है यहां पर पाया जाएगा। तो यहां पर ये दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल, दे प्रोड्यूस देयर फूड मटेरियल बाय फोटोसिंथेसिस, इसीलिए उनको जो है प्रोड्यूसर कहा जाता है। दूसरे ग्रीन प्लांट्स को छोड़कर वर्ल्ड में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं वो सब के सब जो है यहां पर कंज्यूमर होते हैं। कंज्यूमर यहां पर जो होते हैं दे कंज्यूम द फूड मटेरियल, दे कंज्यूम द फूड मटेरियल विच आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स, इसीलिए उनको जो है कंज्यूमर कहा जाएगा। यहां पर कंज्यूमर को जो है दे आर अनएबल टू प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल, इसीलिए इनको जो है यहां पर हेटरोट्रॉफिक कहा जाएगा। और हेटरोट्रॉफिक के अंदर यहां पर आमतौर पर जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स इसके अंदर जो है यहां पर शामिल होते हैं। और थर्ड टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कहलाते हैं यहां पर दीज आर कॉल्ड डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स के अंदर यहां पर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, और खास तौर से डीकंपोजिशन का जो प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए यहां पर किया जाएगा वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया और फंजाय यहां पर होते हैं विच अटैक ऑन द डेड बॉडीज। डेड बॉडीज के ऊपर ये अटैक करते हैं, और जो भी डेड बॉडीज के अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं दोज आर रिलीज्ड आउटसाइड एंड दैट आर मिक्स इन द सॉइल, दैट आर मिक्स इन द एनवायरमेंटल कंडीशन। इस तरीके से यहां पर जो है बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और इन्हीं के दरमियान यहां पर जो इंट्रैक्शन होता है उसी को इकोसिस्टम कहेंगे। और इसी बेस पर हम कह सकते हैं अबायोटिक एंड बायोटिक दीज आर टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पीरियड इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।